एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी वोटर्स के लिए, आप पोलिंग बूथ पहुंचे और वहां आपको पता चले कि मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में आपका नाम है ही नहीं, तो आप अपना आधार कार्ड जो है वो दिखाएं और धारा 49A के तहत चुनौती वोट मांगे और अपना वोट दें। दूसरी अहम बात, जब आप पोलिंग बूथ पहुंचते हैं और वहां आप पाते हैं कि आपकी वोट किसी ने पहले ही डाल दी है, यानी कि आपका वोटिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो ऐसे में आप टेंडर वोट मांगें और अपना वोट डालें। अगर किसी भी पोलिंग बूथ पर 14% से ज्यादा टेंडर वोट रिकॉर्ड होता है तो ऐसे पोलिंग बूथ पर जो है वो पुनर्मतदान यानी कि फिर से वोटिंग किया जाएगा। साथ ही साथ एक और जरूरी सूचना आपको दे दूं कि जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है या जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अब उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वोट हो रहा होता है वो पोलिंग बूथ में जाएं अपने दो फोटो के साथ या फिर कोई एक ऐसी आईडी प्रूफ ले लें जिसमें उनका फोटो लगा हुआ, वो दिखाएं और साथ साथ फॉर्म नंबर 8 भरें जो कि आपको पोलिंग बूथ पर ही मिल जाएगा और अपना वोट डालें। मेहरबानी करके शेयर जरूर कीजिएगा, जितना दम है उतना ज्यादा लगा दीजिए ताकि हर एक लोग में जागरूकता और ये जो क्लॉज हैं ये लोग ये जान पाएं, गाफिल ना रहें। कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ, कुछ लोगों को आप जगाएं मेरी वीडियो शेयर करके, क्योंकि साथ साथ चलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है कि नहीं।